नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सर्च कर रहे हैं दिल्ली में जेट से बना हुआ मकान मेट्रो के नियर अबाउट दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इस बार की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, जेट से बना हुआ मकान रहने वाला है, 35 गज में जेट से बना हुआ है, जमीन भी आपकी और छत भी आपके दोस्तों, मेट्रो डिस्टेंस काफी करीब रहने वाला है दोस्तों, मेट्रो के नियर अबाउट हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, 400 से 500 मीटर हमारे यहाँ पे नियर अबाउट मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। नियर बाय मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़ और नवादा का रहने वाला दोस्तों, यहाँ पे आपको ई रिक्शा लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ वॉकिंग करके ही अपना मेट्रो के लिए जा सकते हैं दोस्तों। इस बार की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, लोनेबल प्रॉपर्टी रहने वाली है, इसमें आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, 80% तक बैंक लोन उपलब्ध है इसके अंदर, 80% तक इसमें आप बैंक सुविधा भी ले सकते हैं। जेट से बना हुआ 35 गज में काफी अच्छे फ्रंट के साथ हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। इस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों सारी सुविधाएं मिलने वाली है, समरसेबल हम लोगों ने लगा दिया, दिल्ली जल बोर्ड कनेक्शन बाहर छोड़ दिया है, आईजीएल गैस पाइपलाइन दोस्तों आपको यहीं देखने को मिल जाएगी और बीएसएस इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। सीवरेज लाइन ऑलरेडी डली हुई है, 10 फीट की गली में रहने वाला है, बच्चों के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल सारे मिलने वाले हैं। यहां पे अगर आप सर्च कर रहे हैं बैंक एटीएम हॉस्पिटल्स तो सब कुछ यहां पे आपको नियर अबाउट मिलने वाला है। 10 फुट की गली में रहने वाला है, गली में एंट्रेंस करते ही तकरीबन तीसरा चौथा हमारा मकान रहने वाला है और मेन रोड जो आपको मिलने वाला है इसमें 25 फीट का मेन रोड मिलने वाला है। काफी अच्छी हमारी प्रॉपर्टी है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हम अपनी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपका फ्रंट एलिवेशन, हम चलेंगे अपने फ्रंट एलिवेशन की तरफ। दोस्तों आगे हम अपनी गली पे, ये हमारी गली रहने वाली है, देख सकते हैं 10 फीट की आपको पूरी गली मिलने वाली है, रोड से तकरीबन तीसरा चौथा हमारा मकान रहने वाला है दोस्तों। मेट्रो डिस्टेंस सिर्फ 500-600 मीटर रहने वाला है, ऑटो रिक्शा आपको लेने की जरूरत नहीं है, वॉकिंग करके आप जा सकते हैं। सीवरेज लाइन ऑलरेडी डली हुई है, दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन कर दिया, पाइप हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया, आप चाहें तो अपना दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन ले सकते हैं, बीएसएस इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है और आईजीएल गैस पाइपलाइन की सुविधा आपको देखने को यहाँ मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपका एलिवेशन, आप देख सकते हैं काफी अच्छा हमारा एलिवेशन रहने वाला है, फ्रंट पे पूरा आपको टाइल वर्क मिलने वाला है, डिजाइनर हमारा ये फ्रंट रहने वाला है। फ्रंट पे आप देखेंगे जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने लगा रखी है एसएस की, हम लोगों ने यहाँ पे ग्रिल लगा रखी है दोस्तों, फ्रंट काफी बड़ा और काफी चौड़ा हमारा फ्रंट रहने वाला। फ्रंट पे आप देखेंगे आपको लाइटिंग वर्क पूरा मिलेगा, प्रोजेक्ट लाइट भी हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है, गोल्डन स्लिप में हम लोगों ने यहाँ पे पट्टी वगैरह लगा रखी ताकि घर काफी खूबसूरत और काफी अच्छा हमारा घर रहे दोस्तों। 10 फुट की गली में हमारा ये घर रहने वाला दोस्तों, रोड से तकरीबन 2.5 से 3 फुट ऊंचा हमारा आपको मकान मिल जाता है, 2 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे, ब्लैक ग्रेनाइट हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप पे लगा रखा है, ये आगे आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, आप चाहें तो अपने गमले वगैरह यहाँ रख सकते हैं, काफी अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। एंट्रेंस करने के लिए जैसे अपना घर में एंट्रेंस करेंगे तो फ्रंट पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे डोर मिल जाता है, आयरन का काफी मजबूत आपको डोर मिल जाता है, घर के अंदर वेंटिलेशन नहीं रहने वाली, जाल सिस्टम भी हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। हम लोग जैसे अंदर एंट्रेंस करेंगे, एंट्रेंस करते ही आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका छोटा सा ड्राइंग रूम मिलने वाला है, मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाऊं तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे छोटा सा आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाता है, आप स्पेस देखेंगे तो काफी अच्छा आपको छोटा सा आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम मिल जाता है। फ्लोर पे देखेंगे 2x2 की हम लोगों ने यहाँ पे पूरी फ्लोर टाइल्स यहाँ पे लगा रखी है, यहाँ पे छोटा सा डाइनिंग रूम के साथ में आपको यहाँ पे वॉशरूम मिलने वाला है और यहाँ आपको स्टेयर मिल जाती है आपके फर्स्ट फ्लोर की, ये हमारा पूरा डाइनिंग रूम रहने वाला है। ऊपर आप देखेंगे डाइनिंग रूम में आपको हैंगिंग लाइट हम लोगों ने लगा रखी है, फॉल सेलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है ब्लू कलर में, यहाँ पे आपको पूरा लाइटिंग वर्क देखने को मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर के हम लोगों के यहाँ पे हमारे एमसीबी बॉक्स रहने वाले, यहाँ सामने मिल जाते हैं, ये हमारे एमसीबी बॉक्स ग्राउंड फ्लोर के रहने वाले हैं। आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे पूरा आपको 4-4 फुट तक पूरा तीनों साइड हम लोगों ने यहाँ पे टाइल वर्क करके दे रखा है, टाइल वर्क यहाँ पे हम लोगों ने पूरा किया हुआ है, प्लस हम लोगों ने यहाँ पे आप देखेंगे एक गोल्डन कलर की स्लिप लगाई है ताकि हमारी टाइल वगैरह की खूबसूरती बढ़ जाए, काफी अच्छी हमारी टाइल्स वगैरह लगे घर की खूबसूरती के लिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा स्लिप वर्क यहाँ पे करके दे रखा है। मॉडलर स्विच वगैरह काफी अच्छे कंपनी के आपको यहाँ पे स्विच वगैरह सारे मिलने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूँ आपका किचन, 35 गज में जेट से बना हुआ डुप्लेक्स हाउस रहने वाला, जमीन से लेकर छत तक आपका रहने वाला, काफी बड़ा आपको इसमें किचन एरिया मिल जाता है। फ्रंट पे आप देखेंगे आपको आपका पूरा किचन एरिया रहने वाला, पूरा मॉडर्न किचन रहने वाला है, चिमनी वर्क ऑलरेडी हम लोग इसमें आपको करके देने वाले हैं। व्हाइट कलर में आपको यहाँ पे पूरा आपको स्लैब मिल जाता है, आप देखेंगे व्हाइट कलर में आपको यहाँ पे पूरा स्लैब मिलने वाला है और फ्रंट पे टाइल वगैरह देखेंगे काफी अच्छी हम लोग की यहाँ पे पूरी आपको फ्रंट पे टाइल वर्क देखने को मिलेगा। ये हमारा किचन रहने वाला है, यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे तो हमारा पूरा फॉल सेलिंग का डिजाइन प्लस हैंगिंग लाइट हम लोग आपको यहाँ किचन में भी लगाकर दे रहे हैं। कैबिनेट काफी बड़े बड़े रहने वाले हैं, आप चाहें तो इसके अंदर अपना काफी अच्छा काफी ज्यादा सामान इसके अंदर अपना रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आपको पूरा चिमनी वर्क करके देंगे, यहाँ हम लोग आपको चिमनी लगा के देने वाले ताकि घर के अंदर वेंटिलेशन वगैरह ना रहे। मैं आपको आपके बास्केट्स वगैरह भी दिखा दूं तो बास्केट्स वगैरह आप देखेंगे तो काफी अच्छे आपको स्टील वर्क में आपको यहाँ पे आपके बास्केट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग का जो हम लोग को यहाँ पे हमारा सिंक मिलने वाला है, सिंक का साइज काफी अच्छा मिल जाता है, सैनिटरी फिटिंग्स हम लोग आपको करके देने वाले हैं और यहाँ पे हम लोगों ने आपको आरओ के लिए स्पेस दे दिया, आप चाहें तो अपना आरओ वगैरह यहाँ लगा सकते हैं दोस्तों। ये
हमारा यहाँ पे आपको पूरा मॉडुलर किचन मिल जाता है, काफी स्पेसियस हमारा यहाँ पे किचन रहने वाला है। फॉग लाइट देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा फॉग लाइट सिस्टम पूरा लगा के दिया, फॉग लाइट्स की हुई है। यहाँ पे आपको जो सनमाइका मिलने वाला है ब्लैक और प्लस क्रीम कलर में आपको यहाँ पे सनमाइका वर्क मिल जाता है, काफी अच्छा हम लोग का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहने वाला है। ये हमारा किचन एरिया मिल जाता है काफी अच्छा, काफी बड़ा हमारे को इसमें 35 गज में हमारा किचन मिल जाता है। अगर बात कर लेते हैं अपने फ्रिज लगाने की, फ्रिज कहाँ लगाना है, तो फ्रिज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दे दिया, आप अपना फ्रिज वगैरह लगा सकते हैं, पावर स्विच वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे दे दिए, फ्रिज अपना यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपका रूम, यहाँ पे हम लोग जैसे अंदर एंटर करेंगे तो आपको आपका एक मास्टर बेडरूम मिल जाता है। रूम में एंटर करते ही सबसे पहले आपको डोर मिलेगा 3x6 का, 3 इसकी चौड़ाई रहने वाली है, 6 फुट हाइट रहने वाली है, काफी अच्छा आपको डोर मिल जाता है। बात कर लेते हैं घर के अंदर वेंटिलेशन ना हो तो विंडो हम लोगों ने यहाँ पे दे दी है, विंडो आप अपनी ओपन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से अंदर आएंगे तो आप देखते हैं काफी अच्छा आपको स्पेसियस मिल जाता है, काफी बड़ा इसमें आपको अपना डबल बेड वगैरह लगा सकते हैं, काफी अच्छा आपको अपना रूम मिल जाता है। फ्रंट वॉल पे वॉलपेपर डिजाइन वर्क हमने करके दे दिया, वॉल सेली का डिजाइन वर्क करके दे दिया, फॉग लाइट सिस्टम सारी कर दिए, ब्लू लाइट्स वगैरह आप देखेंगे सारी हम लोगों ने यहाँ पे एलईडी लाइट्स लगा दी हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक वॉल देखेंगे, वॉल पे एक हम लोगों ने लाइटिंग वर्क भी काफी अच्छा करके दे रहे हैं दोस्तों, काफी स्पेसियस आपको 35 गज में नीचे आपको एक रूम, एक किचन और एक आपको वॉशरूम मिल जाता है और एक छोटा सा आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है दोस्तों। काफी अच्छी हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, 35 गज में जेड से बना हुआ, नियर बाय मेट्रो स्टेशन के पास रहने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं आपको आगे का पोर्शन दिखाने जा रहा हूँ, हम लोग जैसे यहाँ से आगे चलेंगे तो आगे आपको आपका वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम में जो हम लोगों ने गेट लगाया ताकि सीलन से गले ना, तो पीवीसी का गेट लगा के दे रखा है। 2.5x6 का हमारा गेट रहने वाला है, 2.5 फीट चौड़ा मिल जाता है, 6 फीट हाइट मिल जाती है, पीवीसी का हमारा गेट रहने वाला है। और ये हमारा वॉशरूम मिल जाता है, टाइल वर्क पूरा हम लोगों ने यहाँ पे करके दे रखा है, टिल एंड तक पूरा टाइल वर्क मिल जाएगा, वॉल टू वॉल आपको टाइल वर्क मिलने वाला है। गीजर पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिए हैं, हम लोग आपको सैनिटरी फिटिंग्स सारी करके देने वाले हैं। अभी हम लोगों ने सैनिटरी फिटिंग्स की नहीं है, आप बोलेंगे इंडियन पॉट इंग्लिश पॉट जैसा आप बोलेंगे हम लोग यहाँ पे आपको पूरा लगाने वाले हैं। सैनिटरी फिटिंग्स सारी अच्छी रहने वाली है, शावर के कनेक्शन भी हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, आप यहाँ पे अपना शावर वगैरह भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा नीचे आपको एक वॉशरूम मिल जाता है, हम लोग वॉशरूम से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको आपके वाटर कनेक्शन मिल जाता है। सीढ़ियों के नीचे हम लोगों ने वाटर कनेक्शन कर दिया, समरसिबल लगा हुआ है, टाइल वर्क पूरा हम लोगों ने नीचे किया हुआ है, टाइल वर्क आप देख सकते हैं, समरसिबल वहां लगा दिया। दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन हम लोगों ने वहां कर दिए, आप अपना चाहें तो दिल्ली जल बोर्ड की मोटर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारी जो स्टेयर रहने वाली है, स्टेयर आप देखेंगे स्टेयर पे आपको पूरा यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट हमने लगा रखा है, काफी अच्छे काफी चौड़ी हम लोग को हमारी स्टेयर मिल जाती है। स्टेयर पे आप देखेंगे आपको हम लोगों ने फुट लाइट पूरे अपने स्टेयर पे लगा के दे रखी है, आप चारों तरफ देखेंगे तो फुट लाइट आपको देखने को मिल। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप जब अपना ऊपर चढ़ते हैं तो वॉल्स गंदी हो जाती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टाइल वर्क किया हुआ, टाइल वर्क आपको शू से लेकर एंड तक नीचे से और टेरिस एरिया तक हम लोगों ने यहाँ पे पूरा आपको टाइल वर्क करके दे रखा। प्लस यहाँ पे गोल्डन स्लिप हम लोगों ने यहाँ पे पूरी लगा रखी है, आप देखेंगे काफी अच्छी हमारे यहाँ पे गोल्डन स्लिप रहने वाली है। बात कर लेते हैं अपने रेलिंग की, रेलिंग देखेंगे एसएस की आपको रेलिंग मिल जाती है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर टेरिस तक हम लोगों ने पूरी आपको स्टील की रेलिंग लगा दी, मजबूत हमारी रेलिंग रहने वाली है दोस्तों। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपका फर्स्ट फ्लोर, हम चलेंगे अपना दोस्तों आगे हैं आप अपना फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है, जैसे ही हम लोग एंट्रेंस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को हमारा छोटा सा एक ड्राइंग रूम मिल जाता है, आप ड्राइंग रूम देखेंगे काफी अच्छा हम लोग को यहाँ पे ड्राइंग रूम मिलने वाला है। 2x2 की हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोर टाइल्स यहाँ पे लगाई हुई है, फ्रंट वॉल पर हम लोग आपको पूरा वॉल पेपर लगा कर देने वाले हैं, फॉल सेलिंग का डिजाइन वर्क यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको एक हैंगिंग लाइट मिल जाती है, ये हमारा छोटा सा एक आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे सामने आप देखेंगे आपके फर्स्ट फ्लोर के एमसीबी बॉक्स रहने वाले हैं। ड्राइंग रूम से हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम लोग को हमारा एक मास्टर बेडरूम मिलने वाला है दोस्तों। बेडरूम काफी बड़ा रहने वाला है, काफी साइज का अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है इसका फ्रंट अच्छा है तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है काफी अच्छी है और लग्जरी इंटीरियर डिजाइन की हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है। बेडरूम के साइज भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूँ डोर, जो हमारा डोर रहने वाला है, डोर देखेंगे आप, डोर आपको 3x6 फुट का डोर मिल जाता है, हाई ग्लोसी सनमाइका मिलने वाला, काफी मजबूत हमारा ये डोर रहने वाला है। और ऊपर आप देखेंगे घर के अंदर वेंटिलेशन ना हो तो हम लोगों ने विंडो दे दिया, आप विंडो चाहें तो अपना ओपन कर सकते हैं। और जो हम लोग आपको जो चौकट्स मिलने वाली है, पूरे घर में आपको जो चौकट मिलने हैं सारी चौकट आपको यहाँ पे आयरन के मिलने वाली है। अब हम चलेंगे अपना मास्टर बेडरूम में, आप देख सकते हैं रूम का साइज काफी बड़ा हम लोग को यहाँ पे रूम का साइज मिलने वाला है दोस्तों। रूम के साइज की बात करूं तो 11x13 का हम लोग का यहाँ पे रूम का साइज मिलने वाला, आपको चौड़ा मिल जाता है और 13 फुट
इसकी आपको लेंथ मिल जाती है, डबल बेड इजीली इसमें आप लगा सकते हैं और डबल बेड के बाद भी अपना एक इसमें आप सोफा सेट लगा सकते हैं। नीचे आप फ्लोर पे देखेंगे तो 2x2 की हम लोगों ने यहाँ पे पूरी फ्लोर प्राइस लगाई है। बड़ा आपको यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम मिलने वाला है। फ्रंट वॉल आप देखेंगे काफी अच्छी हमारी यहाँ पे आपको फ्रंट वॉल मिल जाती है। वॉल आप देखेंगे तो काफी आपको अच्छी लगने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया है, वॉलपेपर आप देख सकते हैं काफी अच्छा हमारा यहाँ पे वॉलपेपर रहने वाला है। ऊपर आप देख सकते हैं एक न्यू डिजाइन में आपको यहाँ पे पूरा फुल सीलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है। देखें काफी अच्छा हम लोगों का ये फुल सीलिंग का डिजाइन रहने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पे पूरी एलईडी लाइट वर्क करके देखा है। ब्लू कलर में भी हम लोगों ने यहाँ पे लाइट वर्क लगा रखा है। काफी अच्छा हमारा ये रूम रहने वाला है। यहाँ फ्रंट पे देखेंगे यहाँ भी आपको लाइटिंग वर्क देखने को मिलेगा। काफी अच्छा हमारा साइज मिल जाता है। काफी बड़ा हमारा 35 गज में आपको यहाँ पे ऊपर वन रूम सेट मिल जाता है। फ्रंट वॉल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने फ्रंट वॉल पे आपको एक एलईडी पैनल लगा के दे रहे हैं। एलईडी पैनल भी काफी अच्छा साइज मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने आपको एंटीक आइटम रखने के लिए डोर दे रखी है। फॉग लाइट सिस्टम इसके अंदर भी हम लोगों ने कर दिया है। आप बड़े से बड़ा अपना एलईडी टीवी यहाँ रख सकते हैं और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे आपको दो डोर दे रखे। आप अपना चाहें तो यहाँ पे अपना बेचते सामान वगैरह भी यहाँ रख सकते हैं। काफी अच्छी हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, लोनेबल प्रॉपर्टी रहने वाली है। 35 गज में जेड से बना हुआ है, जमीन से लेकर छत तक आपका रहने वाला है। लेंटर वाली प्रॉपर्टी है दोस्तों, मेट्रो के नियर अबाउट रहने वाली है। मेट्रो डिस्टेंस तकरीबन 500 से 600 मीटर रहने वाला है। वॉकिंग करके आप अपना मेट्रो डिस्टेंस जा सकते हैं दोस्तों। ई रिक्शे के पैसे आपके बच जाएंगे। और ये हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर ऐसे ही आप मकान चाह रहे हैं, ऐसे ही मकान अगर आप ढूंढ रहे हैं दिल्ली में जड़ से बना हुआ उत्तम नगर मोहनगढ़ जैसे लोकेशन पे, तो ये वीडियो आपके लिए रहने दोस्तों। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपका बालकनी एरिया। हम चलेंगे अपना बालकनी एरिया में। जैसे हम लोग अपना बालकनी में चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बालकनी में सिक्योरिटी पर्पज से जो गेट दे रखा है, आप गेट देखेंगे यहाँ भी आपको 3x6 का आपको गेट मिल जाता है। काफी बड़ा आपका यहाँ पे गेट रहने वाला है। यहाँ पे आपको हम लोगों ने विंडो दे रखी है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना विंडो कूलर वगैरह लगा सकते हैं। काफी बड़ी हमारी विंडो रहने वाली है। विंडो सेक्शन आप देख सकते हैं काफी बड़ा हमारा विंडो सेक्शन रहने वाला। सारा आयरन का हम लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ, आयरन प्लस यहाँ पे हम लोगों ने वुडन में आपको यहाँ पे ग्लास वर्क किया हुआ। वुडन में पूरा ग्लास वर्क रहने वाला है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपका बालकनी एरिया। हम अपना एंट्रेंस करते हैं बालकनी एरिया में। ये हमारा पूरा बालकनी एरिया मिल जाता है। आप देखेंगे आपको यहाँ पे बालकनी एरिया काफी अच्छा मिल जाता है। बात कर लेते हैं अपनी ग्रिल की, तो ग्रिल देखेंगे हम लोगों ने एसएस की आपको यहाँ पे ग्रिल पूरी लगा के दे रखी है। ग्रिल यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों। और पूरा आप देखेंगे हमारा जो फ्रंट रहने वाला है पूरा यहाँ पे हम लोगों ने टाइल वर्क किया हुआ है। फॉग लाइट सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। पीओपी का डिजाइन देखेंगे, फॉग लाइट सिस्टम सारा हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। और यहीं पे आपको आपका एक मिल जाता है आपका वॉशरूम, वॉशरूम कंबाइंड रहने वाला है। तो यहाँ पे जो गेट रहने वाला, गेट की बात कर लेते हैं तो पीवीसी का गेट रहने वाला है। ये आपका पानी से गलने वाला नहीं है, पीवीसी का हमारा गेट है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स की नहीं है। सैनिटरी फिटिंग्स हम लोग आपको पूरा करके देने वाले हैं। गीजर, शावर पॉइंट सारे हम लोग आपको यहाँ पे करके देने वाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश इंडियन पॉट जैसा आप बोले हम लोग आपको करके देने वाले हैं। टिल एंड तक आप देखेंगे वॉशरूम में पूरा आपको टाइल वर्क देखने को मिलेगा दोस्तों। शावर, गीजर पॉइंट सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। ये हमारा वॉशरूम रहने वाला है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपका टेरिस एरिया। जैसे हम लोग अपना टेरिस एरिया पे चलेंगे तो हम लोग को हमारी ये स्टेयर मिल जाती है। अब हमारी ये स्टेयर देखेंगे, ये हमारी स्टेयर पे आप देखेंगे पूरा आपको यहाँ पे टाइल वर्क मिलने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पे वॉल पे पूरा टाइल वर्क दिया है ताकि आप अगर आप चढ़ते हैं तो ऊपर आपकी टाइल्स वगैरह गंदी ना हो। और यहाँ पे फुट लाइट्स हम लोगों ने यहाँ पे पूरी लगा रखी है। फुट लाइट्स आपको देखने को मिलेगी स्टेयर पे। जैसे आप लोग चलेंगे ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, जैसे आप चलेंगे तो स्टेयर पे ऑटोमेटिक अपने आप ये लाइट जलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। शुरू से लेकर एंड तक आपको यहाँ पे रेलिंग मिलने वाली है। एसएस की आपको यहाँ पे रेलिंग मिल जाती है। ग्रिल हम लोगों ने आपका नीचे ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक हम लोगों ने यहाँ पे टेरिस तक जो आपको ग्रिल लगा रखी है, एसएस की हम लोगों ने यहाँ पे ग्रिल दे रखी है दोस्तों। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपका टेरिस एरिया। टेरिस एरिया भी काफी अच्छा रहने वाला है। जो हम लोगों ने अपनी वीडियो शुरू की थी अपने टेरिस एरिया शुरू की थी, हम चलेंगे अपना टेरिस एरिया पे। आगे हम अपने टेरिस एरिया पे दोस्तों, ये हमारे टेरिस एरिया रहने वाला है। सिक्योरिटी पर्पज से हम लोगों ने जहाँ पे गेट दे रखा है आप देख सकते हैं आयरन का आपको गेट मिलने वाला है। ये हमारा पूरा टेरिस एरिया रहने वाला है। टेरिस एरिया से हम लोगों ने अपनी वीडियो शुरू की थी, आप देखेंगे नीचे फ्लोर टाइल्स हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है। काफी अच्छा आपको यहाँ पे आपका टेरिस एरिया मिलने वाला है। लेंटर वाली हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 6 पिलर डाल रखे हैं। आप चाहें तो फ्यूचर में इसको अपना 2 से 3 मंजिल अपना आप बना सकते हैं। वाटर कनेक्शन हम लोगों ने कर दिए हैं। समरसीवल का हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ, जिसमें हम लोगों ने 500 लीटर का टैंक यहाँ पे लगा दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन भी हम लोगों ने ऊपर कर दिए। आप चाहे अपना टैंक रख सकते हैं और अपना नीचे से आप दिल्ली जल बोर्ड से अपना कनेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। 35 गज में जेड से बना हुआ लोनेबल प्रॉपर्टी रहने वाली है। नियर अबाउट मेट्रो स्टेशन तकरीबन 300 से 400 मीटर, हार्डली 500 मीटर हमारा मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। ऑटो ई रिक्शा आपको लेने की जरूरत नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस में जा सकते हैं दोस्तों। लोनेबल प्रॉपर्टी रहने वाली है। अगर इस प्रॉपर्टी को आप साइट विजिट करने जाते हैं तो स्क्रीन पे हम लोगों ने नंबर दे रखे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।